4 मई 2024 को पुलिस स्टेशन खदान अंतर्गत धारा 457-380 भादवी के अनुसार अपराध दर्ज किया गया था। ऐसा कुल मिलाकर 43,77,317 रुपए की चोरी होने की घटना सामने आई थी। अपराध में घटना स्थल से पुलिस अधीक्षक अकोला ने लेखी एवं जुबानी आदेश देकर अपराध को हर हाल में सामने लाने की सूचना दी थी। इसके बाद LCB द्वारा पथक तैयार करके आरोपियों की तलाश की गयी, जिसके चलते पुलिस निरीक्षक शंकर शेल के पुलिस निरीक्षक स्थानीय अपराध शाखा द्वारा पथक गठित कर पुलिस कर्मचारी घटना स्थल के आसपास की तलाशी में जुट गए। स्थिति के अनुरूप सबूत गोपनीय जानकारी के आधार पर 48 घंटों के भीतर स्थानीय अपराध शाखा द्वारा आरोपियों की निष्पादन करके अहमदनगर जिले से आरोपी जिगर कमलाकर पिंपले सुनील विठल पिंपले इन्हें गिरफ्तार किया गया था। किए जांच में पथक को अपराध का मुख्य आरोपी विवेक उर्फ चावल्ला कमलाकर होने का सामने आया एवं इस अपराध में सोने एवं डायमंड के आभूषण उसने बिक्री करने की जानकारी भी प्राप्त हुई। गिरफ्तार करने हेतु पुलिस ने आरोपी की तलाश लेकर अपराध का मुद्देमाल जब्त करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक गोपाल यादव एवं पुलिस कर्मचारी पथक गठित किया। इसके बाद उक्त अपराध में जांच करके तांत्रिक एवं गोपनीय जानकारी के आधार पर अपराध में शामिल मुख्य आरोपी विवेक कमलाकर पिंपले को गिरफ्तार करके उपयोग में लाया गया हाइड्रोक्लो बड़ा पेचकस एवं अन्य साहित्य तथा 25 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। और 4 मई रोजी खदान पुलिस स्टेशन से परिसरात एक घरफोडी झाली होती, त्यामध्ये जवळपास 44 लाखाचा मुद्देमाल गेला होता। याची तपासासाठी LCBची टीम सतत आरोपीच्या मागे होती, त्यामध्ये जवळपास 78 दिवस नंतर मुख्य आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। यापूर्वी पण 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले होते, परंतु मुद्देमाल हस्तगत न झाला होता। शेवटचे आरोपीचे सुराग भोजपूर जिल्हा बिहार या ठिकाणी लागला, त्याच्यानंतर आपली टीम त्या ठिकाणी पोहोचली, त्यांना ताब्यात घेतलं आणि मुद्देमाल यांनी इलाहाबाद या ठिकाणी विकलेला आहे, तर त्या ठिकाणी पण आपली टीम गेली आणि जवळपास 25 लाखाचा मुद्देमाल सीज करण्यात आलेला आहे। आतापर्यंत या गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी अटक असून 25 लाखाचा मुद्देमाल रिकवर झालेला आहे। राहिलेल्या मुद्देमालसाठी पण आपली LCBची टीम यामध्ये प्रयत्न करत आहे। मुख्य सहभाग यामध्ये PI शेळके, PI LCB, त्याचे सहकारी PSI जाधव आणि त्याची टीमचा होता आणि त्यांनी खूप मेहनत या गुन्ह्यामध्ये घेतलेली आहे।